उद्यगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ संपन्न। सोमवार को उद्यगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आस्था का महान पर्व संपन्न हो गया। 28 अक्टूबर से शुरू छठ पर्व 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ। रविवार को छठ व्रतियों ने अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। भदोही संवाददाता एके फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। रात भर छठी मैया के गुणगान में भजन कीर्तन व जागरण करने के बाद सोमवार को छठ व्रतियों ने पूजा की। सामग्री लेकर छठ व्रती महिलाएं सीधे नदियों और सरोवरों के तटों पर पहुंची। वहां व्रत धारियों ने कमर तक के पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना में लीन होकर उद्यगामी सूर्य देव को अर्घ्य दिया। सोमवार को उद्यगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आस्था एवं विश्वास का महापर्व छठ संपन्न हो गया। बीते शुक्रवार का नहाय खाय के साथ शुरू इस महापर्व में शुक्रवार को खरना के उपरांत शनिवार को छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी एवं रविवार को उद्यगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपने व्रत का पारण किया। रविवार की शाम भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान कर व्रतियों ने रात में छठी मैया के गुणगान में भजन कीर्तन व जागरण करने के उपरांत सोमवार को पुण्य नदी पोखर में बने घाटों पर जाकर भगवान भास्कर को जल अर्पित कर मनोवांछित कामना करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद घर लौटकर व्रत का पारण किया। महापर्व छठ में सांसद सहित सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों और जिले के अधिकारियों ने पूजा अर्चना करने समेत सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित क्षेत्रवासियों के लिए सुख की कामना की। ज्ञानपुर नगर के ज्ञान सरोवर तालाब बाबा हरिहरनाथ मंदिर पर श्रद्धालु व्रत धारी महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।